हाय गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका माय स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। मैं धर्मेंद्र कुमार। अगर आप एक व्लॉगर हैं, वीलॉग्स बनाते हैं, तो हो सकता है ये आपका ड्रीम कैमरा, क्योंकि आज इंडिया में बात करें या फिर इंटरनेशनल लेवल के किसी भी व्लॉगर की बात करें, तो उसका ये है सबसे फेवरेट कैमरा, जिसका नाम है कैनन का पावर शॉट G7X Mark II। जी हाँ, ये कैमरा हमने भी परचेस कर लिया है, जिसकी कीमत है लगभग 40,000 रुपये। और ये मैंने परचेस किया अपने दूसरे चैनल माई स्मार्ट स्पोर्ट व्लॉग्स के लिए, जहाँ पे आपको अच्छे क्वालिटी में आप व्लॉग्स मिलेंगे इससे। तो चलिए, इस कैमरे का रिव्यू और अनबॉक्सिंग और क्या खास बात है ऐसा जो इसे सभी लोग खरीदना पसंद करते हैं, और ये हाई डिमांड में है और इंडिया में काफ़ी शॉर्टेज में है। तो चलिए आपको हम बताते हैं इसकी खासियत। तो गाइज, ये है कैनन पावर शॉट G7X Mark II का बॉक्स, और साथ में आपको मिलेगा 16GB का मेमोरी कार्ड इसके अंदर, और साथ ही साथ ये केस कैरी करने के लिए आपको मिलता है इसके साथ फ्री में ये वारंटी कार्ड, जो कि इसके अंदर आता है, इसलिए हमें इसका सील तोड़ना पड़ा है सील स्टैंप लेने के लिए। ये देखिए, अभी मैंने हाल ही में खरीदा है 23/2/2018 को, 2 साल की वारंटी है इसके अंदर। और कैमरे की फर्दर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर कैनन का DigiX 7 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और CMOS का 1 इंच का सेंसर है यहाँ पे, ये भी एक अच्छी बात है, और 20.1 मेगापिक्सल का इसके अंदर कैमरा है, 4.2x ऑप्टिकल जूम है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसके अंदर जो लेंस है वो 1.8 से लेके 2.8 तक का इसका अपर्चर है। 1.8 बहुत अच्छी बात है, आपको लो लाइट परफॉर्मेंस में भी ये बहुत बढ़िया काम करेगा। साथ ही साथ वाईफाई इनबिल्ट है, NFC सेंसर भी इसके अंदर अब मौजूद है। तो चलिए, इसे करते हैं फटाफट हम अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिला है। सबसे पहले मिलता है हमें इसका मैनुअल, ये चार्जर का केबल है, मैंने इंडिया से लिया है इसलिए इसमें इंडियन वाला प्लग सिस्टम दिया हुआ है, नहीं तो चाइनीज आता है। ये है पट्टी लटकाने वाला ताकि सेफ्टी रहे। स्कैंडिक्स का 16GB का मेमोरी कार्ड, चार्जर जिसमें आप बैटरी को लगाकर चार्ज कर सकेंगे, और ये है इसके साथ आने वाली बैटरी। अगर बैटरी की बात की जाए तो ये 1250 mAh की बैटरी है, जो कि कम होता है काफ़ी, और मैक्सिमम ऑपरेशन टाइम जो होगा इसका, अगर लगातार शूट करेंगे तो आई थिंक 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, जैसा कि लोगों का कहना है जो इसे यूज़ कर रहे हैं। हालांकि आप, एक अच्छी बात यह है कि इसके साथ जो है आप इसे पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। यस गाइस, एंड दिस इज द मेन कैमरा G7X Mark II। देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, पीछे स्क्रीन है, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खासियत यही है इस कैमरे का हाईलाइट फीचर व्लॉगर्स के लिए, कि आपका स्क्रीन जो है आपके सामने दिखता है, ब्लॉगिंग करने में आपको बहुत सुविधा होगी। और साथ ही साथ ये थोड़ा इस तरीके से भी घूमता है ताकि अलग तरीके से एडजस्टमेंट भी कर सके जरूरत पड़े तो आपको। हाँ, डिमेरिट्स की बात की जाए अगर, तो माइक्रोफोन जो है, एक्सटर्नल माइक्रोफोन इसमें आप नहीं लगा सकते, यहाँ पे माइक दिया हुआ है, हालांकि ऊपर दिया है, अच्छी बात है, हवा जो है, हवा की आवाज़ कम आएगी ऊपर देने से, साइड में या सामने रहता है तो हवा की आवाज़ ज़्यादा आता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये जो ट्राइपॉड लगाने का जो जगह दिया है यहाँ पे, वो सेंटर में दिया है, जबकि आप देखेंगे सोनी या फिर निकॉन वाले में साइड में देता है, तो वो थोड़ा ऑड टाइप का फील होता है ट्राइपॉड लगाने के बाद, तो ये एक सही चीज़ है। इससे आप एडजस्ट कर पाएंगे इसका एक्सपोजर, ब्राइटनेस इससे एडजस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से फंक्शंस हैं, जिसको बहुत से मोड हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जैसी मर्जी आपको, उस तरीके से इसका यूज़ करके पावर ऑन कर सकते हैं, इसके अलावा इससे शॉट्स ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, जिसे आप ऑन करेंगे तो फ्लैश जो है निकल जाएगा बाहर, फ्लैश को आप चाहें तो थोड़ा सा टिल्ट भी कर सकते हैं फोटो लेते समय। ये बैटरी लगाने का कंपार्टमेंट है, यहाँ पे बैटरी आपको इंसर्ट करना होता है। यहाँ पे HDMI पोर्ट दिया है, और साथ ही साथ ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पावर बैंक से डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं अगर चार्ज खत्म हो रहा है तो। तो इसका फुल रिव्यू मैं आपको यूज़ करने के बाद, 1 सप्ताह के बाद बताऊंगा। ऑपरेशन वैसा ही है जैसे आप कैनन के कोई भी DSLR यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह का फंक्शन दिया हुआ है। सो नाउ आई एम टर्निंग ऑन दिस कैमरा, और ये देखिए कैमरा ऑन हो गया है, प्री बेसिक सेटअप के लिए पूछ रहा है ये।
और इट्स रेडी टू शूट। चलिए आपको हम इसके द्वारा लिए गए कुछ वीडियोस और फोटोज के सैंपल दिखाते हैं जो कि अलग अलग लाइटनिंग कंडीशन में लिए हुए रहेंगे। और इंडिया में इसकी अभी प्राइस जो है नियरली 37,000 to 40,000 रुपीज है। मैंने मुझे देने पड़े हैं 40,000 क्योंकि डिमांड इस कैमरे का बहुत ज़्यादा है और स्टॉक बहुत कम है हर जगह, इसलिए ज़्यादा पड़ा है। हालांकि इसका रियल रेट 37,000 है। अगर आप नीचे लिंक पे जाएंगे अमेजोन पे खरीदने के लिए तो वहाँ मनमाना पैसे ले रहे हैं लोग, क्योंकि डिमांड इसका थोड़ा ज़्यादा है। कुछ लोग 40,000, 42,000, 45,000, 50,000 रुपये में कैमरा अमेजोन पे बेच रहे हैं। टेक्निकल बाबा, टेक्निकल बाबा नित्या से है मेरा चैनल दोस्तों। आप देख सकते हैं अभी अभी 6 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, पहले ही मैंने वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा चैनल है इनका, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा इनको, साथ में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ब्लू लाइट कंडीशन में या फिर डार्क कंडीशन बिल्कुल कहें तो डार्क कंडीशन की बात करते हैं। हम घर के बाहर निकल रहे हैं अभी और देखिए किस तरीके से ये तो गाइज कैसा लगा आपको ये कैनॉन का G7X Mark II कैमरा? अगर अच्छा लगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप फॉलो करके देख सकते हैं और भी डिटेल्स या परचेस कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।